हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। तो आज की वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीएसटी में। ये सेक्शन बताता है कि कौन कौन से ऐसे इनपुट टैक्स है जिनका हम क्रेडिट नहीं अवेल कर सकते, तो उसी में ही एक एक्सपेंडिचर और एड ऑन हुआ है जिसका हम क्रेडिट नहीं अवेल कर सकते। तो वो क्या एक्सपेंडिचर है, चलिए डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो में हम उसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ परचेजेस दैट आर नॉट एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम। सबसे पहले तो सेक्शन जो 17 सबसेक्शन 5 है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीएसटी में। तो ये सेक्शन हमें क्या बताता है, वो सारी लिस्ट ऑफ परचेजेस बताता है, उन परचेजेस पे जो भी हम जीएसटी पे करते हैं, जो भी हम टैक्स पे करते हैं, उसका हम इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं क्लेम कर सकते। तो पूरी की पूरी लिस्ट प्रोवाइड होती है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में कि उन परचेजेस का हम इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं क्लेम कर सकते। अ न्यू सब क्लॉज इंसर्टेड एज सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 FA सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 अमेंडेड to provide that goods or services or both received by a taxable person which are used or intended to be used goods for activity relating to his obligation under corporate social responsibility referred to in section 135 of Companies Act 2013। section 135 of Companies Act बताता है corporate social responsibility के बारे में कि कंपनी के ऊपर obligation है कि उसको थोड़ा बहुत expenditure corporate social responsibility पे करना पड़ेगा। तो अब ये जो क्लॉज है सेक्शन 17(5)(FA), ये जो FA वाला क्लॉज है ये ऐड हुआ है अभी न्यू। कब से है ये एप्लीकेबल? 1 अक्टूबर 2023 से। तो ये क्लॉज क्या बताता है कि जो भी आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए गुड्स और सर्विसेज परचेज कर रहे हो, उस पे जो आप टैक्स पे कर रहे हो, अब उस टैक्स को आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। पहले क्या था, पहले कंपनीज जो है, जो भी हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए गुड और सर्विसेज परचेज करते थे, उसका जो भी हम टैक्स पे करते थे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट वो आराम से अवेल कर रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, एक क्लॉज सब क्लॉज इंसर्ट हो गया एफए के नाम से, जिसने की रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि अब जो भी आप टैक्स पे कर रहे हो उन गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए है, तो अब उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं अवेल कर सकते। क्लियर? और ये कब से एप्लीकेबिलिटी हुई है? 1 अक्टूबर 2023 से। तो अभी जो भी कंपनीज है वो जो भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर रही है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर रही है, तो 1 अक्टूबर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये अवेल करना बंद कर दे, क्योंकि अब क्लेम नहीं होगा। इन अदर वर्ड ITC इज नॉट अलाउड फॉर गुड और सर्विसेज और बोथ यूज फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर। इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं अलाउड है अब उन और गुड और सर्विसेज के लिए जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक्सपेंडिचर को कर रही है। क्लियर? बेसिकली इतना ही है इसमें। सेक्शन 17(5) किसकी बात करता है? सारे वो परचेजेस की बात करता है जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हम नहीं अवेल कर सकते। तो इसी सेक्शन में एक और सबसेक्शन सब क्लॉज एड हो गया FA के नाम से। ये क्या बताता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो उस पे आप जो भी टैक्स पे करते हो उसका आप टैक्स क्रेडिट नहीं अवेल कर सकते। तो आप देखो, कॉर्पोरेट जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एप्लीकेबल किस किस कंपनीज पे है। वो कंपनी जिनकी जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, या टर्नओवर 1000 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, या फिर जो हमारा नेट प्रॉफिट है 5 करोड़ और मोर। अगर इन तीनों में एक भी कंडीशन फुलफिल होती है तो जो कंपनीज है उसको अपना कॉर्पोरेट सोशल एक्सपेंडिचर पे कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा।
अब बात उठती है कितने एक्सपेंडिचर करने की, तो ये भी कंपनी सेक्शन 135 में मेंशन किया हुआ है कि आपको क्या करना है, प्रीवियस 3 ईयर्स के आपको निकालने हैं नेट प्रॉफिट, प्रीवियस 3 साल के आपको नेट प्रॉफिट निकालने हैं। लेट्स एन एग्जांपल, अभी आपका जैसे 2023 चल रहा है, तो 2022 के, 2021 के और 2020 के 3 साल के आपको प्रॉफिट निकालने हैं, उसको उसका करना है एवरेज, मतलब इन तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 करके जितना भी आपका आएगा उसका आपको 2% जो है वो एक्सपेंडिचर, आपको 2% जो है उस अमाउंट का आपको CSR में एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा गिवन है ये सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट के बारे में कि आपको प्रीवियस ईयर में जितना भी आपका नेट प्रॉफिट आया उसका एवरेज निकाल के उसका 2% आपको एक्सपेंडिचर कॉर्पोरेट सोशल एक्सपेंडिचर में इनकर्ड करना पड़ेगा। अगर कंपनीज नहीं करती तो उनके ऊपर पेनल्टीज वगैरह इम्पोजिशन है। और ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्टिविटीज क्या क्या होती है, जैसे एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्चना, जेंडर इक्वालिटी पे पैसा खर्चना, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पे पैसा खर्चना, पॉवर्टी पे पैसा खर्चना, हेल्थ केयर पे, सेटिंग अप होम्स और होस्टल फॉर वुमेन्स एंड ऑर्फन्स, मतलब कि कंपनीज इतना सारी चीजें इन्वायरमेंट से ले रही है तो थोड़ा सा सोसाइटी और इन्वायरमेंट के लिए भी एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। तो जो हमारा सेक्शन आया है, सेक्शन जो 17 सबसेक्शन 5 था, उसमें एक नया क्लॉज ऐड हो गया FA, और वो क्या कह रहा है कि जो भी आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे एक्सपेंडिचर पे करोगे और जितना आप उसके लिए गुड्स और सर्विसेज खरीद रहे हो उस पे जो आप टैक्स पे कर रहे हो, आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं अवेल कर सकते। और ये कब से एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है 1st अक्टूबर 2023 से। तो सबको टेक केयर करनी है कि अभी तक अगर कोई प्रैक्टिस फॉलो कर रहा था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्रेडिट ले रहा था, तो अब वो बंद कर दे लेना 1st अक्टूबर 2023 से। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी। थैंक यू।